नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? तो मैं देखिए, ये सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर कपड़े धोऊंगी। आज दिन भर मेरा कपड़ा धोते ही टाइम निकल जाता है और बारिश का भी दिन है, फिर भी मैं कपड़ा धो रही हूँ क्योंकि गंदे हो गए हैं। बच्चे लोग बहुत सारे हमारे घर में हैं तो कभी धूल में ही कभी ज़मीन में ही बिछा देते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं आज कपड़ा धोते धोते आज पूरा दिन निकला दी हूँ। तो अभी मैं पहले पानी भर रही हूँ, रात में सभी बर्तन वगैरह मैं धो ली थी और जो ये बाद में गंदा हुआ है, चाय हुए पिए हुए हैं तो वही है। तो अभी मैं इसको धो देती हूँ। पानी भर रहा है उधर, मैं छोड़ दी हूँ, पैप बोरिंग से जोड़ दी हूँ, उसके बाद पानी भी भर रहे हैं और बीच बीच में उसे भी ध्यान देती हूँ और ये मांज धो रही हूँ। तो सभी को मैं धो मांज लूँगी, उसके बाद मैं कपड़ा बोथूंगी। तो पहले जो छोटे मोटे काम है उसको निपटा लेती हूँ। अभी खाना भी मैं नहीं चढ़ाई हुई हूँ, बाद में चढ़ाऊँगी। तो अभी देखिए, ये बर्तन मैं धो देती हूँ। सुबह का चाय पिया हुआ ये बर्तन है और एक दो थाली और दो चार गिलास है, डूबा है, ये सब है। तो सभी को मैं धो लूँगी और उसके बाद अभी रोहन भी खेल रहा है और रोहनी रोशनी सभी को खेल रहे हैं और इस टाइम में अभी दौड़ के आ जाता है रोहन पानी भरने के लिए। तो उसका डर से मैं पानी जल्दी भरती नहीं हूँ, लेकिन भी वो पहुँच ही जाता है। देखिए इस तरह से ये परेशान करता है और बहुत कितनों भी मना कर दे लेकिन ये मना नहीं होता है। बस पानी में खेलने के लिए बहुत फास्ट है रोहनी रोशनी, रोहन सभी को फास्ट है लेकिन ये सबसे ज़्यादा है। पानी जब भी मैं भरने के लिए पाइप जोड़ देती हूँ तब ये दौड़ के आ जाता है। कुछ भी काम करता है, चाहे कुछ भी से खेलता है, अपना मनपसंद खेल भी खेलता है, फिर भी आ कर के ये पानी में भिड़ जाता है। देखिए कितना अच्छे से भर रहा है, और पहले भरा डेगची में वो भर गया तो ये बाल्टी में भर रहा है और बहुत खुश भी होता है ये पानी भरने के लिए। तो मैं छोड़ दी हूँ अभी जानबूझकर, अभी मैं इसको नहला दूँगी। पहले मैं ये कपड़े सबको धो लेती हूँ। तो अभी मैं जब तक रहूँगी यहाँ पर ये आते रहेगा और मैं बोलती रहूँगी तुम भागो यहाँ से भागो, लेकिन वो भागता नहीं है। और अभी देखिए मैं छीन ली हूँ तो ये रो रहा है और बिना छीने हुए वो देता भी नहीं है। अपने मनपसंद से भरने के लिए पानी देता नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती भी भर देती हूँ तो ये फिर छोड़ता नहीं है। और देखिए कैसे मेरा में चिपक रहा है, तो मैं जानबूझ के छोड़ देती हूँ। तुम रो कितना रोता है, फिर संतोष ले जाता है बाद में। फिर मैं आराम से कपड़े धोती हूँ। देखिए कैसे छिपकली जैसा छिपक रहा है और रो भी रहा है और भाग भी नहीं रहा। बोल रहे तुम जाओ उधर जाओ उधर, फिर भी नहीं। उसका पापा भी बुला रहे थे आओ बेटा इधर, फिर भी नहीं जा रहा था। फिर रो संतोष आता है, फिर वो ज़बरदस्ती लेकर के जाता है। रोहनी आम दे रही थी लो खा लो, तो फिर भी वो नहीं खाने का, वो नहीं खाएंगे बोला। और उसके बाद संतोष ले गया। तो मैं अभी कपड़े धो रही हूँ और जीन्स को मैं इस तरह से धोती हूँ ब्रश से, और हाथ से तो छूटता नहीं है। तो पहले तो इसको मैं सीधा कर लेती हूँ, उसके बाद इसको पूरे बिछा करके इसमें पानी डालेंगे और साबुन अच्छी तरह से इसमें साबुन लगाएंगे। तो इसमें रुमाल रखे हुए थे तो उसको मैं निकाल दी हूँ और पानी उजल करके अभी मैं साबुन डाल रही हूँ। तो सरफ में भिगा देते तो अच्छा होता, लेकिन सरफ भी कम ही है और हमको आज कपड़े बहुत सारे ये कम्बल वगैरह धोने हैं तो मैं आज इसमें सरफ नहीं डाल रही हूँ, बस ये साबुन लगा रही हूँ। उसके बाद बर्तन से बहुत ही अच्छे से मैं इसको रगड़ रगड़ के धो दूँगी, क्योंकि और जो कलर निकलने वाला होते हैं जींस उसको अच्छा से तो धोएंगे लेकिन उसको अच्छा से खंगारने टाइम ध्यान नहीं देंगे तो वो उसमें कलर छूट करके उसमें रेगा बन जाता है, फिर धोया और ना धोया सब बराबर हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से सभी कलर निकलने तक मैं रगड़ने की कोशिश कर रही हूँ और सभी को मैं अच्छी तरह से रगड़ रगड़ करके मैं सभी मैल को निकाल देती हूँ। सब जगह जहाँ जहाँ पर सफ़ेद वाला थोड़ा होता है ना डिजाइन, तो वहीं पर मैं ज़्यादा रगड़ती हूँ। और अभी मैं दो तीन बार इसमें मैं लगाई हूँ साबुन, तब जाके साफ होता है। और मैं इसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लेकर के इसको मैं रगड़ती हूँ पूरे पूरे पैंट में, मतलब रगड़ के इसको मैं सभी मैल को निकाल ही देती हूँ तब साफ़ हो जाता है। उसके बाद मैं दो तीन बार इसको मैं खंगारती हूँ क्योंकि ये काला है, इसमें कलर निकलता है हल्का, तो जब जितना धोओ उतना ही कलर निकलते जाता है, इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धोती हूँ कोने कोने में सब जगह। तो अभी मैं रगड़ने में ही लगी हुई हूँ। उसके बाद देखिए
मैं इसको रगड़ ली पूरे और इसको फींच दे रही हूँ। तो एक बार सीधा तरफ से धो ली हूँ, उसके बाद मैं एक बार उल्टा तरफ से धो दूँगी। तो फिर भी मैं इसमें थोड़ा देरी देरी फींच फींच करके रगड़ती रहती हूँ। अभी मैं उल्टा करके फिर से धोऊँगी। और कपड़े जो गुदाए थे उसको धोने के बाद यहाँ पर देखिए रोहन को मैं नहलाने आ गई हूँ। रोहन मेरा से पहले आ करके ये पानी उछला रहा था अपने शरीर में और बहुत ही खुश हो रहा था। और इस तरह से नहाने में इसके शायद बहुत ही अच्छा लगता होगा, ये मानता नहीं है कितनों भी मना करिए, और ज़्यादा मना करने पर रोने लगता है, फिर पटकाने लगता है, इसलिए छोड़ देते हैं, फिर अपने से नहाना शुरू कर देता है। फिर मैं आ गई हूँ, इसको रगड़ रही हूँ बोरे में, बोरे के साथ में, फिर भी ये रो नहीं रहा, इसको खुशी लग रहा है और ही अच्छा लग रहा है इसको। और पास में रोहनी भी है, वो भी बोल रही है कि मैं नहाऊंगी, तो मैं बोल रही कि अभी मत नहाओ ठंडा लग जाएगा, अभी मैं इसको नहला देती हूँ उसके बाद तुमको भी नहला दूंगी। तो बोल रही कि नहीं मैं अपने से नहाऊंगी। तो ये बच्चे लोग हैं ना, अपने से नहाने के लिए लोग को बहुत शौक़ लगता है और कभी भी नहीं बोले हैं कि हम नहीं नहाएंगे आज, रोज़ दिन नहाने के लिए ये लोग ठंडा हो या गर्मी नहाने में कभी नहीं कतराते हैं, रोज़ दिन नहाना खुद चाहते हैं और रोज़ दिन नहाते भी है, भले ही हम नहीं नहाते हैं लेकिन बच्चे लोग बहुत नहाते हैं, रोज़ दिन नहाते हैं। तो देखिए रोहन भी बहुत खुश है, इसको साबुन लगा दिए, फिर आँख बंद करो बोले तो आँख भी बंद किया और अच्छे तरह से नहा रहा है। फिर बोल रहा है कि मैं भी अपने से नहाऊँगा, तो मैं दे दी जग तो अपने सुझला रहा है। देखिए फिर इसका नहाना हो गया तो मैं गमछा ली हुई थी तो उसी से लपेट करके अभी मैं ले जाऊंगी और तेल लगा दूंगी और कपड़े पहना दूंगी, फिर मैं कुछ काम करूंगी। इसके साथ भी मुझे कुछ टाइम देना पड़ेगा, अभी ये नहा लिया फिर उसके बाद तेल डाल देंगे, फिर तेल डालने के बाद काजर पाउडर करते करते कुछ टाइम लग जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज कपड़े धोने हैं, बहुत सारे मेहमान आए हुए थे तो गंदे हो गए हैं ढेर सारे कपड़े, तो उसी को आज मैं धोऊंगी। और यहाँ पर भी रखे हुए हैं, उसको लेने आए हुए हैं, इसको भी धोना है क्योंकि बच्चे यहाँ पर सो रहे थे। सबको नहीं ले जाएंगे, आधा ले जाएंगे, जितना धोना है आधा वहाँ पर भी है। लो पकड़ो, उसको रख दो वहीं पर, रख गंदा है, रख दो ना वहाँ पर, रख इसको यहीं पर, आएंगे ना धूप जब ठंडा अच्छी होगा उस टाइम। अब ये बोल ठीक है, इसको लेके चलो तो यहाँ पर डालेंगे, पकड़ लो ये बोल, वहाँ पर एक ठो नहीं जलता है, लो ना दोनों को पकड़ो। यहाँ पर सफ़ेद बोल को डाल दिए हैं, एकदम नहीं सुनती है, कर रही थी वो, लो ये पकड़ना दोनों को, हाँ ना इसको ले जाएंगे और धो करके रख देंगे, और नहीं तो बारिश होने वाला है, नहीं धोएंगे तो धोने भी नहीं सकेंगे। क्या हुआ, दरवाजा बंद कर ले सकेगी? हम जा रहे हैं तब, हाँ का चीज। तो उस घर में रखे हुए कपड़े को मैं लेकर के देखी यहाँ पर रख दी हूँ, तो इतने सारे आज धोने हैं, ये कंबल उम्बल को, बेड शीट है, कंबल हैं, तो सभी को आज मैं धोऊंगी। अभी इस टाइम मैं रोहन को सुला दी थी, नहा धोआ करके उसको काजल पाउडर डाल दी तो वो सो गया था, तो फिर मैं कुछ देरी आराम से धोई, फिर वो दौड़ के उठ गया, फिर से आ जाता है यहीं पर। तो देखिए उन लोग का कपड़ा को भी मैं नहीं धोई हूँ अभी, क्योंकि मैं सोची कि अभी वो सो रहा है तो मैं उससे पहले ये बड़े बड़े चीज़ को ही धो लेती हूँ। तो पहले मैं अभी यहाँ पर सरफ घोल लूँगी और इसमें डाल दूँगी कुछ देरी तक फूलने के लिए, तो मुझे तो पहले ही डालना था लेकिन उस घर में रखा हुआ था तो लाने के लिए टाइम नहीं मिला था, तो मैं ले करके आई, उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सरफ में, तो कुछ देरी तक ये फूल जाएंगे। तो इसी तरह से हमारा आज दिन निकल गया कपड़ा धोते धोते। तो हमारे वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा हमारा वीडियो। रेसिपी आज नहीं है,
बस एक कपड़ा धोने वाला वीडियो है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, मेरा कपड़ा धोने का तरीका कैसा लगा, बच्चे नहलाने का कैसा तरीका अच्छा लगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो से आप खुश है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए, हमारा आगे बढ़ाइए, कुछ मैं इसी तरह से आगे बढ़ूँ और मुझे भी खुशी मिले कि हमारे दोस्तों देखने खोजते हैं, तो मैं कुछ अलग तरीका का वीडियो लाऊँगी, अच्छे तरीका से लाऊँगी, मैं भी सोचूँ। तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अभी मैं सभी ये जो धोने वाला है कंबल वगैरह उसको मैं डाल दी हूँ सरफ में, और फिर से मुझे पानी भरना पड़ेगा क्योंकि अभी नहा धो करके बर्तन वर्तन कपड़े लाते सब धो ली हूँ तो पानी भी ख़त्म हो गया, तो मैं इसमें पानी भरूँगी और धोऊँगी। तो अभी मैं थोड़ा सा हाथ पैर धो लेती हूँ, मैं भी सुबह से करती करती रह गई, उसके बाद मैं फुला करके चल गई थी थोड़ा नाश्ता वगैरह करने, खाना बन गए थे। तो खाना में हमारा बना था सोयाबीन परी, आलू और शिमला, तो मैं रेसिपी नहीं शेयर की हूँ क्योंकि हमारे यहाँ लाइट का प्रॉब्लम तो होता ही है, तो ये तो मैं बताती रहती हूँ तो इसके वजह से मैं नहीं बताई नहीं दिखाई। तो मैं खाना वाना खाने के बाद, देखिए इस टाइम रोहन भी उठ गया, खाना वाना खाने के बाद हमारा ये भी फूल गया तो मैं धोने लग गई हूँ, तो इसी तरह से हमारा दिन निकल जाता है आज का दिन, और रोहन भी आ गया है।